हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ अपना गोवा का हाउस टूर शेयर करने वाली हूँ, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत ही ना एंट्री स्टार्ट होती है हमारे घर की। यहाँ पे साइड में आप देखोगे तो खूब सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। इधर है सिटिंग एरिया जहाँ पे हम कॉफ़ी वगैरह पी सकते हैं, हाँ बिल्कुल। और उधर है सोफ़ा जहाँ पे आराम से बैठ के ना बुक्स रीड कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द साइड एरिया जो कि कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है। यहाँ से यहाँ मॉस्किटोज बहुत ज़्यादा हैं, जहरीले वाले। यहाँ से हमारे घर की एंट्री शुरू होती है। एंड यहाँ पे लगे हुए हैं मैग्नेट वाले कर्टेंस जो कि मच्छर वच्छर अंदर नहीं जाने देंगे। सो दिस इज़ आवर होम जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इधर एक सोफ़ा बेड है, बंद कर लो मच्छर है बहुत। गेट, ठीक है, गेट हमने कर दिया है बंद, लाइट्स ऑन कर दिया। इधर हमारा सोफ़ा है, ठीक है। आफ्टर दैट इस साइड जाएंगे तो यार यहाँ पे बुक्स वगैरह लगी हुई हैं, लैम्प है यहाँ पे, आई गेस लैम्प तो नहीं चल रहा, तो यहाँ पे लैम्प है, ठीक है। यहाँ पे दिस इज़ फिर से सिटिंग एरिया, अगर नितिन को मुझे बैठ के कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पीनी हो तो यहाँ से स्पेस कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। इधर फिर से सोफ़ा लगा हुआ है। सामने ही है हमारी छोटी सी किचन, तो इट्स अ वॉक इन किचन जो कि बहुत सुंदर लग रही है। और यहाँ से ना खास बात दिखाऊँ, कर्टेंस हटाओगे ना गाइस तो बाहर का नज़ारा आपको दिखेगा जो कि बहुत सुंदर सा है। इधर है हमारा स्टोव और दिस इज़ आवर किचन। इसके बाद यहाँ पे ओवन लगा हुआ है एंड इसमें मेरे ख्याल से फ्रिज है। ओके, तो इसमें क्या, ये लॉक है। ओके, इधर कैटल वगैरह लगी हुई है। इधर हमारा फ्रिज है जिसमें हम अपना खाने पीने का सामान रखेंगे। ओके, सो दिस इज़ द फ्रिज। आफ्टर दैट यहाँ से आगे बढ़ने के बाद किचन के जस्ट साथ में ही ये है हमारा प्यारा सा छोटा सा रूम। तो गाइज़ यहाँ पे ये मेरा प्यारा सा ड्रेसिंग टेबल है। जस्ट लुक एट दैट, सुंदर है ना बहुत। जस्ट लुक एट दैट, बहुत सुंदर है। इधर अलमीरा है, ऊपर OTG रखा हुआ है। ओके, दिस इज़ हमारी अलमीरा जिसमें फ्री फंड का सामान पड़ा हुआ है क्या। आफ्टर दैट दिस इज़ हमारा बेड। बाहर का व्यू किसी को ना दिखे, थोड़ी प्राइवेसी लॉक करने के लिए हमने इसको लॉक कर दिया है। इधर है AC, सो दिस इज़ आवर रूम, ठीक है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है ना। अब बढ़ते हैं हम वॉशरूम की तरफ, बाहर बहुत मॉस्किटोज हैं गाइस। ओके, सो दिस इज़ द वॉशरूम एरिया। तो ये वॉश बेसिन है, ठीक है, टॉयलेट है, दिस इज़ बाथ एरिया। एंड इधर है हमारी छोटू सी वॉशिंग मशीन, स्टे करना हो तो यहाँ पे मॉप भी लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम धोने वाले आज कपड़े। गाइस यार, दिस इज़ द फुल हाउस टूर। आपको कैसा लगा कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताना। और अगर आपको गोवा आ रहे हो, इसमें रुकना है तो मैं इसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर चेकआउट कर लेना। मुझे तो यार काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन बस मच्छर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो उससे बच के रहना, अपना दरवाज़ा क्लोज रखना। बाय बाय।